नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा ईश्वर का न्याय। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था, उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए हैं। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था, पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा हम जैसे साधुओं का कर्म सिर्फ समझना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुत को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं, इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत कष्ट में था, उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया, दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो, यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है। गुरु महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियाँ ही चींटी हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा इसी लोक में स्वर्ग नर्क के सारे दृश्य मौजूद हैं, हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो, यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरु जी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था।
यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।